हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर आप समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखिए यहाँ पे x का गुणांक लिखा हुआ है, x स्क्वायर का गुणांक जो लिखा है उसको हमको सबसे पहले एक करना है। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, हमको क्या करना है, एक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक करेंगे। एक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो हमारा एक हो जाएगा 2 से। यानी हम लिखेंगे इसमें, ध्यान से समझिए, दो से भाग देने पर, भाई जब 2 से हम भाग देंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो एक हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा एक हो जाएगा। तो जब हम भाई भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पे देखिए 2x² सब में 2 से भाग दे दीजिए, -5x/2 +3/2 = 0/2। ठीक है, यहाँ पे हमने भाग दे दिया 2 से दोनों पक्षों में। ठीक है, अब देखिए ये 2 से दे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो बचेगा x² माइनस, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसे 5x/2 +3/2, ये हो जाएगा = 0। ठीक है, ये हमारा हो गया = 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे x². ठीक है, x² यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, और ये भी इसको लिख देंगे -5x/2। अब इतना लिखने के बाद हम थोड़ा रुक जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ये इसको देखिए, यहाँ पे 5x/2 लिखा है। ठीक है, अब x को क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं इसमें, तो 5/2 हमारा मिल हो गया। ठीक है, 5/2 इसका आधा करना है, 5/2 का जब आधा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे में क्या करेंगे 2 लगा देंगे तो अपने आप आधा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/4। ये ठीक है, ये इसका आधा हो गया, हमने इसका आधा कर लिया, इसका हमने आधा कर लिया। इसका आधा करने के बाद आप जानते हैं क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख के इसका वर्ग एक बार माइनस में कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक बार प्लस ऐसे लिखेंगे इसका, देखिए इसका आधा 5/4, ऐसे लिखेंगे 5/4 का वर्ग, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, और ये वैसे का वैसा हम लिख देंगे 3/2 = 0। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी वर्ग हुआ, यहाँ पे वर्ग, प्लस माइनस जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये x² है, x² ठीक है, और ये देखिए 5/4 का वर्ग है, 5/4 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि इसको हम मानेंगे a, इसको मानेंगे b, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है। ठीक है, ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको, ये अपने आप, अगर ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो ये बीच वाला जो रहता है ये अपने आप बन जाता है इसमें। ठीक है, -2ab बन जाएगा, क्योंकि माइनस है, यानी कि -2ab बीच वाला अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं क्या बना है या नहीं बना है। तो देखिए a की जगह कितना है, x है, a बराबर x है, और b बराबर क्या है, 5/4 हमारा है, तो b बराबर 5/4। तो हम देखते हैं 2ab करते हैं क्या हमारा इतना आता है, माइनस का 2ab, तो देखिए -2, a की जगह पे कितना है x, तो गुड़े x, और b के जगह पे 5/4 हम ऐसे लिख लेंगे। देखिए 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 ये जो 5 का गुड़ा x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और माइनस के साथ लिखेंगे और बटे में क्या 2। देखिए बीच वाला एकदम सही है, यानी कि हमारा बीच वाला -2ab है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम लिख सकते a² ये क्या है +b² है, और -2ab है बीच वाला। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी कि x और b के जगह पे क्या है 5/4, तो माइनस का ऐसे लिखेंगे 5/4 का वर्ग। अब माइनस लिखा है, इतना तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इतना देखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस ऐसे लिखेंगे, इसका वर्ग हम करेंगे 5 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5×25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4² 16 +3/2 ऐसे हम लिख देंगे, = 0। ठीक है,
अब क्या करेंगे देखिए, इसको तो ऐसे रहने देंगे, x माइनस 5/4 का वर्ग। अब देखिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25/16, और यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 3/2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम घटा लेंगे, ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस 5/4 का वर्ग माइनस इसका इसका एलसीएम लेंगे, हमारा हो जाएगा 16, और 16 यानी कि हो जाएगा 25, और 16 यानी कि 8, 24 हो जाएगा ये आपका बराबर 0। एक्स माइनस 5/4 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस देखिए 25 में से घटाएंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यानी कि हम इसको 16 यानी कि हम 4 को इसको वर्ग लिख सकते हैं, 1/4 का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए 25 में से जब हम 24 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे 1 बचेगा, और ये 16 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब 1 को हम क्या कर देंगे, 1 का ऐसे वर्ग कर देंगे, और 16 को हम ऐसे 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो जब वर्ग हटेगा तो एक हो जाएगा 1/4 का वर्ग, पूरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 1/4 का वर्ग यहाँ पे हम जो कि हमने लिख दिया है। अब देखिए इसको मानिए पूरे को a, x माइनस 5/4 को मानिए a, x माइनस 5/4 बराबर a, और 1/4 बराबर b, तो यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है a प्लस b, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, ठीक है, ये आपको याद रखना है, a प्लस b, a माइनस b, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है, ठीके? तो एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां करेंगे हम, x माइनस 5/4, एक बार जोड़ेंगे 1/4 को, 1/4, और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, x माइनस 5/4 को ऐसे लिख के माइनस 1/4 हम घटाएंगे, 1/4 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखिए सभी का एलसीएम हम लेंगे, इसके बटे 1 कर देंगे, इसके भी बटे 1 कर देंगे, सबका एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 प्लस 1, ठीक है। इस ब्रेकर में क्या होगा, इसमें भी 4 होगा, x माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इसके बटे हम 0 कर देंगे, और एक बार इसके बराबर हम 0 कर देंगे, क्योंकि देखिए गुणे में है, जब बटे में जाएगा तो 0/ ये हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा मान, नहीं समझे होंगे, इसमें समझिए, देखिए 4x देखिए माइनस 5 और प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 4/4, ये हो जाएगा 4x, और माइनस 5 और प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 6/4 बराबर हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर हम 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। एक बार इसके बराबर हम लिख लेते हैं, तो 4x माइनस 4/4 बराबर 0। तो देखिए जब त्रिक गुणा होगा तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यानी कि हो जाएगा 0, 4x माइनस 4 इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। और 4 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो जब हम 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया, देखिए गुणे में इस साइड जाएगा, भाग में आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0/4, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 0/4 बराबर हम 0 होगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये इस साइड था माइनस था, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अभी तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने तीर खींच देते हैं, रेखा मतलब, इसके बराबर 0 करेंगे, तो देखिए 4x माइनस 6/4 बराबर 0, इसका गुणा इसमें हम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, यानी कि 4x
माइनस छः बराबर जीरो, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया बराबर जीरो, ठीक है। अब छः को भी उस साइड भेज देंगे तो चार एक्स बराबर, ये माइनस का छः इस साइड हो जाएगा प्लस का छः, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसके बटे में हम कर देंगे, देखिए गुणे में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चार हो जाएगा, यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, यानी कि एक्स बराबर तीन बटे दो, और यहाँ पे एक्स बराबर कितना आया एक, अतः क्या हो जाएगा, अतः एक्स बराबर कितना हमें मान निकला तीन बटे दो, और क्या निकला एक, यही हमारा हो गया आंसर।